हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्राइवर का कनेक्शन। मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, कमेंट्स में आता है कि जो भी लोग हमारा ये ड्राइवर हमारी वेबसाइट से परचेस करते हैं तो उनको वायरिंग कनेक्शन में प्रॉब्लम होती है, जबकि ऑलरेडी मैंशन किया जाता है बैटरी प्लस बैटरी माइनस और लोड प्लस लोड माइनस, तो कुछ प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो में हम सभी प्रॉपर वायर कनेक्शंस इसके देखने वाले हैं प्रैक्टिकली करके, कैसे सोलर प्लस लगाना है, कैसे बैटरी लगाना है, कैसे लोड के वायर कनेक्शंस इसमें लगाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा ड्राइवर हो गया और यहाँ पे एक एलईडी प्लेट हो जाएगी। एलईडी प्लेट में जैसे आप देख रहे हैं रेड और ब्लैक माइनस और ये इंडिकेशन के वायर, तो ये एक एलईडी प्लेट है। तो ये ड्राइवर में यूज़ करेंगे और आपको चाहिए होगा एक स्क्रू ड्राइवर। तो इन चीज़ों की मदद से हम इसमें वायर कनेक्शन करेंगे। तो चलिए तो देखते हैं, ये ड्राइवर है हमारा। सबसे पहले हमें लोड के कनेक्शन लगाने हैं। लोड, मैं लोड बोल रहा हूँ इस एलईडी प्लेट को, इसको लोड बोला जाता है। और इसको हम पहले प्लस, ये माइनस, ये जो लोड लिखा है इस पे कनेक्शन कर लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि रेड प्लस यहाँ पे रहेगा, तो मैं यहाँ पे पहले इसको, ये जो स्क्रूज हैं इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेते हैं। ये मैंने लूज कर लिया है, अभी माइनस कनेक्ट कर दिया अच्छे से, एकदम इसको टाइट कर देंगे। यहाँ पे प्लस लगा दिया मैंने। तो जो भी मैं बता रहा हूँ, जैसे पहले हमें लोड कनेक्ट करना है वैसे ही आपको कनेक्शन करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें ये इंडिकेशन वायर है, इंडिकेशन वायर ये चार पिन दिए हैं इसमें, इसकी मदद से जैसे ही आप देख रहे हैं ये गैप है और ये आसानी से इसमें कनेक्ट हो जाएगा। ये सबसे पहले हमें लोड कनेक्ट कर दिया है। तो लोड करने के बाद हमारा सेकेंड आता है बैटरी कनेक्शन। तो आप जैसे इसमें मेंशन है बैटरी प्लस बैटरी माइनस, तो यहाँ पे हम प्लस और बैटरी माइनस लगाएंगे। तो बैटरी कनेक्शन करने के बाद क्या होता है कि लाइट ऑन होनी चाहिए। तो जैसे मैं पहले नेगेटिव वायर लगा देता हूँ इसमें, ये पहले मैं चारों लूज कर लेता हूँ। सबसे पहले स्क्रू लूज करके आपको ये बैटरी माइनस लगा दिया, इसको कनेक्ट किया। तो जब ही आप ये ध्यान रखिएगा, कभी भी कनेक्शन करने पहले ये शॉर्ट ना हो, मतलब किसी भी मेटल सरफेस पे आपका ना रखा हो, और नहीं तो अगर मेटल सरफेस पे होगा तो बैटरी कनेक्शन के साथ आपका ये शॉर्ट कर सकता है सर्किट। तो मेक श्योर ये शॉर्ट ना करे। तो बैटरी माइनस लगाने के बाद यह आ गया हमारा बैटरी प्लस का कनेक्शन। तो बैटरी यहाँ पे 40 AH की एक बैटरी, लेड एसिड बैटरी है। तो ये ड्राइवर है वो 12 वोल्ट के लिए यूज़ होता है। जो भी आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है, AH कोई मैटर नहीं करता है, आपकी सिर्फ 12 वोल्ट की बैटरी होनी चाहिए उसके लिए ये ड्राइवर उसके लिए सुटेबल रहता है। जो SMD ड्राइवर्स हैं हमारे वेबसाइट पे, वो लिथियम आयन 11.1 और 12.8 वोल्टेज के लिए होते हैं। तो अभी हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, वो इसका कनेक्शन देखते हैं। तो जैसे ही मैं इसमें प्लस लगाता हूँ, देखिए लाइट ऑन हो गई। तो कभी क्या होता है कि अगर आप लूज कनेक्शन करेंगे, बार बार इसको टाइट अच्छे से नहीं कनेक्ट करेंगे, तो लाइट में रहेगा, रेड इंडिकेशन आएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको एक प्रॉपर एक बार में लगाना है और इसको बिना लूज किए टाइट कर देना है। तो ये जैसे ही आपने इसमें कनेक्शन लगाए तो आप देख रहे हैं कि ये लाइट ऑन हो गई है। तो मैं अभी एक वायर निकाल देता हूँ, फिर सोलर कनेक्शंस दिखाता हूँ आपको, तो ताकि ये आपको वीडियो में क्लियर आए। तो मैं एक लोड का निकाल दिया है मैंने, तो बैटरी कनेक्शन है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये बैटरी कनेक्शन अभी भी है और लोड ऑन है। तो ये हमारा सर्किट बैटरी प्लस बैटरी माइनस। तो जब ही अब हमारे पास आता है सोलर प्लस और सोलर माइनस। तो सोलर प्लस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं येल्लो वायर और सोलर माइनस के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रीन वायर। तो यही आपके सोलर पैनल से कनेक्शन वायर्स आ रहे होंगे, या रेड और ब्लैक भी कभी कभी सोलर पैनल पे लगा दिया जाता है। तो आपको देखना है कि अगर प्लस माइनस रेड है ब्लैक है तो रेड उसमें प्लस रहेगा, ब्लैक माइनस रहेगा। अगर येल्लो ग्रीन है तो ऑलवेज सोलर येल्लो रहेगा और ऑलवेज सोलर जो ग्रीन है वो माइनस रहेगा। तो अब हम सोलर वायर कनेक्शन करने जाते हैं। तो ये जैसे मैंने लोड का निकाला था वायर, मैं इसको दोबारा लगा देता हूँ ताकि ये हमारा लोड ऑन होता रहे। तो आपको मालूम पड़े, जब भी सोलर पैनल लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता है, इसलिए ये जैसे ही हम सोलर पैनल के वायर कनेक्ट करेंगे तो ये सर्किट ऑफ होना चाहिए। तो ये
जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, पहले लोड लगाना, बैटरी लगाने के बाद लोड ऑन हो जाना, तो ये टेस्टिंग भी रहती है इसकी कि ये अगर कॉन्फ़िगरेशन सही है तो आपकी लाइट ओके है। तो मैंने सोलर प्लस लगा दिया इसमें, सोलर पैनल हम यहाँ पे 40 वाट का सोलर पैनल यूज़ कर रहे हैं, तो अच्छे से टाइट कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये सोलर प्लस पे मैंने येलो लगा दिया है, अभी हमारा बचा सोलर माइनस। तो जैसे ही ये टेस्टिंग का भी एक तरीका है कि जैसे हम सोलर माइनस लगाएंगे या सोलर पैनल कनेक्शन करते हैं तो हमारा लोड ऑफ होना चाहिए और ग्रीन लाइट आनी चाहिए। तो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो सोलर पैनल से करंट नहीं आ रहा है या फिर ड्राइवर में प्रॉब्लम है। तो मैं सोलर नेगेटिव लगाने जा रहा हूँ, ये देखिए जैसे ही ये हमेशा टाइट कनेक्शंस करने हैं, लूज रहेगा तो नहीं काम करेगा। तो जैसे ही मैंने नेगेटिव वायर लगाया तो आप देख रहे हैं कि लोड ऑफ हो गया हमारा, मतलब स्ट्रीट लाइट हमारी ऑफ हो गई और ये यहाँ पे ग्रीन इंडिकेशन आने लगा। तो इस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं और ये एक टेस्टिंग भी रहेगी। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपका ग्रीन लाइट नहीं आ रही है, तो ये आपका सर्किट में प्रॉब्लम हो सकती है या सोलर पैनल में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका करंट यहाँ तक पहुँच नहीं रहा, बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो इस केस में बैटरी चार्ज हो रही है और ग्रीन इंडिकेशन आ रहा है। और जब आप सोलर पैनल या जब बैटरी आप फर्स्ट स्टेप में बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो अगर आपका बैटरी लगाने के बाद अगर रेड इंडिकेशन आता है, यहाँ पे ये रेड इंडिकेशन आता है, तो इसका मतलब आपकी बैटरी लो चार्ज है, मतलब बैटरी ठीक है तभी रेड इंडिकेशन आ रहा है, ज़्यादा डीप में नहीं गई है। तो आप उसमें उस केस में क्या करेंगे, आप सोलर पैनल लगा के रखिए और कुछ घंटों बाद 3 से 4 घंटे बाद आप देखेंगे वो रेड लाइट बंद हो जाएगा और ग्रीन लाइट जलने लगेगा। इसका मतलब आपकी डे टाइम में ये आपकी लाइट ओके हो गई है, चार्जिंग हो रही है। अब हमें ये देखना है कि ये ऑटोमेटिक लाइट ऑफ होगी या नहीं होगी रात में। तो इसके लिए कि हम क्या टेस्ट करते हैं कि एक जो भी सोलर पैनल का कनेक्शन है, तो मैं यहाँ पे ग्रीन वायर निकाल देता हूँ ताकि ये अज्यूम करें हम कि सोलर पैनल पे धूप नहीं आ गई, वहाँ से कोई करंट नहीं आ रहा है, तो ये लाइट ऑटोमेटिक ऑन होनी चाहिए। तो मैं लूज़ कर दिया मैंने ये, और ये मैंने ग्रीन वायर ये निकाल दिया है, तो आप देखेंगे लाइट हमारी ऑन हो गई। तो इस तरीके से हम एक बार टेस्टिंग करके ज़रूर देख लेंगे ताकि हमें रात में ऑटोमेटिक लाइट ऑन होनी चाहिए। तो अगर ये हम आपको ड्राइवर परचेस करना है तो हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपको स्क्रीन पे दी गई है। तो आप LED प्लेट्स भी परचेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, और भी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं सोलर लाइट से रिलेटेड, लिथियम आयन के ड्राइवर्स और फॉस्फेट के ड्राइवर्स भी हैं, और उनका थोड़ा कनेक्शन तो सिमिलर होता है सोलर प्लस बैटरी माइनस, लेकिन कुछ डिफरेंट होता है वो आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये ड्राइवर सिर्फ 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी के लिए होता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस YouTube चैनल को ताकि आगे आने वाली कोई भी आपसे वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।